रियल मेरिट के करीम बेंजेमा इस खेल के असाधारण खिलाड़ी थे। उन्होंने शुरुआती गोल किए और कई मौके बनाए। शुरुआती लाइनअप में वापसी करने वाले ईडन हजार्ड ने भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया। सेल्टा विगो की सेंटी मीना ने बराबरी का गोल किया और रियल मेरिट की रक्षा के लिए लगातार खतरा था। खेल और अंतिम स्कोर का विश्लेषण, रियल मेरिट का दबदबा रहा और पूरे खेल में स्कोरिंग के कई मौके बनाए। हालांकि दूसरे हाफ में करीम बेंजेमा की स्ट्राइक तक वे उन्हें गोल में बदलने में असमर्थ रहे। दूसरी ओर सेल्टा विगो ने एक मजबूत रक्षात्मक खेल खेला और गोल करने के अपने मौके को भुनाया। खेल हारने के बावजूद उन्होंने लीग की शीर्ष टीमों में से एक के खिलाफ प्रभावशाली प्रदर्शन किया। रियल मेरिट की जीत ने 76 अंकों के साथ ला लीगा तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि सेल्टा विगो 46 अंकों के साथ 8वें स्थान पर रही। प्रशंसकों की प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया इस खेल ने दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों के बीच काफी चर्चा पैदा की। कई लोगों ने अपनी राय व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। रियल मेरिट के प्रशंसक अपनी टीम की जीत से रोमांचित थे और उन्होंने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की प्रशंसा की। दूसरी ओर सेल्टा विगो के प्रशंसक परिणाम से निराश थे, लेकिन अपनी टीम के प्रयास पर गर्व महसूस कर रहे थे। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, FAQ, सेल्टा विगो के खिलाफ खेल में रियल मेरिट के लिए विजयी गोल किसने किया? मैच के 87वें मिनट में मार्को असेंसियो ने रियल मेरिट के लिए विजयी गोल दागा। क्या ईडन हजार्ड ने सेल्टा विगो के खिलाफ मैच में खेला था? हाँ, सेल्टा विगो के खिलाफ खेल में ईडन हजार्ड रियल मेरिट के लिए शुरुआती लाइनअप में लौट आए। रियल मेरिट और सेल्टा विगो के बीच कहाँ खेला गया था खेल? खेल मेरिट स्पेन में सेंटियागो बर्नबियू स्टेडियम में खेला गया था। रियल मेरिट और सेल्टा विगो के बीच खेल का अंतिम स्कोर क्या था? खेल का अंतिम स्कोर रियल मेरिट के पक्ष में 2-1 था। ला लीगा तालिका पर खेल का क्या प्रभाव पड़ा? रियल मेरिट की जीत ने 76 अंकों के साथ ला लीगा तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि सेल्टा विगो 46 अंकों के साथ 8वें स्थान पर रही। निष्कर्ष, रियल मेरिट और सेल्टा विगो के बीच का खेल एक गहन और मनोरंजक मैच था, जिसमें दोनों टीमों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। रियल मेरिट की जीत ने ला लीगा तालिका में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया, जबकि हार के बावजूद सेल्टा विगो का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। फुटबॉल के प्रति उत्साही के रूप में फुटबॉल की दुनिया में नवीनतम विकास के साथ अपडेट रहने के लिए लाइव अपडेट और लाइनअप का ट्रैक रखना महत्वपूर्ण। ऐसे ही लगातार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको लाइव क्रिकेट और स्पोर्ट्स के अपडेट रखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।